नमस्कार, मैं हूँ अमरेंद्र कचनार। कविता मेरा शौक है और जब मैंने कविता लिखने की शुरुआत की तो उस वक्त बहुत ढेर सारे नाम मेरे जहन में तैर रहे थे कि क्या रखूँ मैं अपना उपनाम। क्योंकि मेरा जन्म जिस गांव में हुआ है उस गांव का बड़ा ही प्यारा नाम कचनार, तो तमाम खोजबीन के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि जिस गांव की मिट्टी ने मुझे जन्म दिया क्यों न मैं अपना नाम वही रखूं। और इस तरीके से मेरा नाम प्रचलित हुआ, अमरेंद्र कचनार। मैंने एक कविता लिखी है सरहदों की सुरक्षा करते हुए सीमा प्रहरियों के नाम। विषय है पूरे देश में जब त्योहारों के मौसम आते हैं तो देश वालों से क्या अपेक्षाएँ होती हैं एक सीमा प्रहरी की, कि वे अपना त्यौहार किस माफिक मनाएं। और हम सीमा प्रहरी किस तरीके से उन त्यौहारों को एंजॉय करते हैं, प्रस्तुत है, पेश नज़र करते हैं। चीर के दुश्मन की छाती, चीर के दुश्मन की छाती केसरिया तिलक लगा लेंगे, चीर के दुश्मन की छाती केसरिया तिलक लगा लेंगे, व्योम धरा पाताल को भी पदाघातों से दहला देंगे। जो पड़ी जरूरत वतन को तो हम हंस के शीश चढ़ा देंगे, तुम चैन से सो जाना लोगो, हम जाग के देश बचा लेंगे। फागुन के मौसम में जब जब परदेसी गांव में आएंगे, गलियों में होली गूंजेगी वे वृद्ध हृदंग मचाएंगे, गलियों में होली गूंजेगी वे वृद्ध हृदंग मचाएंगे, तुम रंग गुलाल उड़ा लेना, तुम रंग गुलाल उड़ा लेना, हम रक्त गुलाल लगा लेंगे, तुम चैन से सो जाना लोगों, तुम जाग के देश बचा लेंगे। जब पकी फसल के कटने पर बैसाखी हंसती आएगी, जब पकी फसल के कटने पर बैसाखी हंसती आएंगी, माही के आने की सुन सुन वो घूंघट में छिप जाएगी, माही के आने की सुन सुन वो घूंघट में छिप जाएगी। तो देश वालों, तुम नच लेना खलिहानों में, तुम नच लेना खलिहानों में, हम भंगड़ा यहीं पे पालेंगे, तुम चैन से सो जाना लोगों, हम जाग के देश बचा लेंगे। सावन का महीना आता है, मैंने पीहर में आती हैं, झूले डालती हैं, तीज मनाती हैं, उसके बारे में मेरी सोच किस तरीके से सीमा प्रहरी अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है मेरे शब्दों में। उमड़ घुमड़ के बदरी जब सावन में घिर घिर आएगी, बहने पीहर में आ आके झूलेंगी, बागों में गाएंगी, तो तुम हरिया तीज मना ले। ध्यान रखिए, यहाँ मेरा इशारा तुम से हमेशा देश के वासियों से है, देश के लोगों से है। तुम हरिया तीज मना लेना, हम कजरी यहीं पे गा लेंगे, तुम चैन से सो जाना लोगों, हम जाग के देश बचा लेंगे। नवरात्रों में पूरे उपवास के बाद नवरात्रों की समाप्ति पर जब मेरी माँ मीठे पकवान पकाएगी, नवरात्रों में जब मेरी माँ मीठे पकवान पकाएगी, फिर मुझे ढूंढने पगली वो गलियों में दौड़ी जाएगी। नवरात्रों में जब मेरी माँ मीठे पकवान पकाएगी, फिर मुझे ढूंढने पगली वो गलियों में दौड़ी जाएगी। तो तुम खूब मिठाई खाना, हम खुशबू से जी बहला लेंगे, तुम चैन से सो जाना लोगों, हम जाग के देश बचा लेंगे। अब दिवाली आती है तो द्वारे पर बंधनवार बना बिटिया रंगोली सजाएगी, द्वारे पर बंधनवार बना बिटिया रंगोली सजाएगी, जब प्रिया विरहिणी तपसी से, विरह के कारण उसका रूप, उसका सौंदर्य
एक तपस्विनी की मानिंद हो गया है। इसलिए कवि कहता है, जब प्रिया विरहिणी तपसी सी थाली में दीप सजाएगी तो तुम फूल जड़ियां चटका लेना, तुम फूल जड़ियां चटका लेना, हम दिल के दिए जला देंगे, तुम चैन से सो जाना लोगों, हम जाग के देश बचा लेंगे, हम जाग के देश बचा लेंगे। यकीन, धन्यवाद।